दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पियर कैप है उसको कास्ट करने के लिए उसके फॉर्मवर्क को फिक्स किया जाता है। उस फॉर्मवर्क को फिक्स करने के लिए हमने स्टेजिंग लगाया हुआ है और उस स्टेजिंग के नीचे आप देखेंगे हमने यहाँ पे पूरा पीसीसी का बैट बनाया हुआ है। तो बहुत सारा लोग सोच रहा होता है कि पीसीसी बैट बना के हमने कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बर्बाद कर दिया। अरे भैया, हमने कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बर्बाद नहीं किया है। जो ये आप स्टेजिंग देख रहे हैं, इस स्टेजिंग के ऊपर आपके पूरे पियर कैप का लोड आ रहा होता है और उस लोड को हमें नीचे ट्रांसफर करना होता है। अगर हम यहाँ पे पीसीसी का बेड नहीं बनाएंगे तो जो आपका ये स्टेजिंग लगा हुआ है इसका सेटलमेंट हो जाएगा और पूरी स्टेजिंग आपकी फेल हो रही होगी। तो इंजीनियर्स, ये पीसीसी का बेड बहुत बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपका इवन लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके और आपकी स्टेजिंग का फेलियर ना हो। अगर दोस्तों साइड से ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।